वेलकम टू रेलवे ज्ञान। आगामी कम्पिटिटिव एग्जाम आने वाले बहुत सा क्वेश्चन आपसे बन सके इसके लिए मैं लाया हूँ। क्यूब आज हम पढ़ेंगे क्यूब, ठीक है। देखिए 15 का होल क्यूब बनाना है तो क्या करेंगे, वन ये चार लकीर पहले पारेंगे, ठीक है। चार लकीर पार दिए ना, अब वन है वन लिख दिए, फाइव है फाइव लिख दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, फाइव का होल स्क्वायर करेंगे फिर फाइव का होल क्यूब करेंगे। अब बीच वाले को दुगना कर देंगे तो पाँच है ना, तो इसका दुगना 10 होता है, 25 है ना, 25 का दुगना 50 होता है। अब देखिए 5 लिख दें यहाँ, अब कैरी है ना इधर चला जाएगा, तो देखिए 50 और 25 कितना होता है, 75 होता है। 75 और 12 कितना होता है, 87 के 7, हाथ में 8 हो गया, कैरी 8 हो गया, ठीक है। कैरी इसको दे देंगे, 10 और 5 15 15 8 8 कितना हुआ, 23 के 3, हाथ में 2 ना हुआ कैरी, और 2 हुआ जो कैरी 1 3, इसको लिख दिए, ठीक है। 12 का होल क्यूब लिखना है तो 1 2 लिख दिए, फिर 2 का होल स्क्वायर करना है, फिर 2 का होल क्यूब करना है। अब इसको दुगना कर देंगे बीच वाले को, ठीक है, दुगना कर दिए। अब 8 लिख दिए, इसको ऐड कर देना, 4 8 12, 4 2 6 6 7 1, ठीक है। इसका वो 18 का होल क्यूब करना है, 1 लिख दिए, 8 लिख दिए, 8 का होल स्क्वायर कर दिए, फिर 8 का होल क्यूब किए, इसको दुगना करना है, ठीक है। इसको ऐड करके लिख देंगे, ठीक है, 5 8 3 2, इसका 11 का होल क्यूब करना है, तो 1 का होल क्यूब है ना, ये चार लकीर पारेंगे, सभी चार लकीर पारेंगे। 1 का होल क्यूब 1 होता है, 4 बार लिख दिए, इसको दुगुना करेंगे है ना, इसको एडिंग करेंगे तो 1331 आ गया। 22 का होल क्यूब करना है, 2 का होल क्यूब करना है, ठीक है, तब उसको लकीर पारेंगे 4, 8 8 लिख दिए 2 का होल क्यूब में, इसको दुगुना करना है, इसको एडिंग करेंगे 22 का होल क्यूब आ जाएगा। 33 का होल क्यूब करेंगे, 3 का होल क्यूब करेंगे, ठीक है, चार लकीर पारेंगे, 27 हो गया, इसको दुगना करेंगे, ठीक है, इसको एडिंग कीजिएगा तब कितना आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए टाइप 3 आते हैं, टाइप 3 में क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, देखिए टाइप 3 में क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, 21 का होल क्यूब करने के लिए, तो इसमें क्या कीजिएगा ना, उल्टा कीजिएगा, ठीक है, 21 है ना, तो इसको पीछे से कीजिएगा, तो 1 2, देखिए वो था ना 1 से लेकर 19 तक था, अब आते हैं 21 से, ठीक है। अब देखिए 1 लिख दिए, 2 लिखे हैं, ठीक है, अब इसको होल स्क्वायर कर दीजिएगा, इसको होल क्यूब कीजिएगा, इसको दुगना कर दीजिएगा, आंसर आ गया। 31 का होल क्यूब करना है, 1 3 लिख दिए, अब ये 9 है, ठीक है, 3 का होल स्क्वायर, 3 का होल क्यूब 27, इसको दुगना किए, आंसर आ गया इसका, ठीक है। ये फ्लो करेगा 21 31 41 51 61 71 81, ठीक है, 1 4, इसको होल स्क्वायर, इसको दुगना, ये इसको दुगना किए, इसको दुगना किए, इसको एडिंग करेंगे, इतना आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए 23 का होल क्यूब करना, अब देखिए किसी का भी आप सिखाते हैं उधर तो सिखाएं क्या कि ट्रिक से कि कैसे क्या करेंगे, अब किसी का होल क्यूब कैसे निकालिएगा, ठीक है। अब देखिए पहले क्या करेंगे, 2 का होल क्यूब लिख देंगे, ठीक है, चार लकीर पारेंगे, 2 का होल क्यूब लिख दिए, और जो अंतिम वाला है ना लकीर में 3 का होल क्यूब लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको इसका होल स्क्वायर करेंगे, 2 का होल स्क्वायर, अब इसे गुना कर देंगे, ठीक है, यानी 12 हो गया ना, 2 का होल स्क्वायर 4 हो गया, अब 4 3 12 हो गया, 12 लिख दें यहाँ। अब इसको करेंगे 3 का होल स्क्वायर करेंगे तब 9 हो गया, अब इसको से गुना करेंगे 18 हो गया, इसको दुगुना किए, ठीक है, 12 का 24 36, इसको एडिंग कीजिएंगे 7 कैरी 2, 36 अब 8 कितना होता है, 54 6, हाथ में 5 हो गया, ये कितना 37 हो गया है ना, 36 हो गया, 36 अब 5 हो ना कितना 41 1, कैरी 8 4, अब 8 अब 4 12 हो गया, ठीक है। अब देखिए इसका भी ऐसे किए, चार लकीर कर दिए, इसका शुरू का 4 का होल क्यूब किए, फिर 2 का होल क्यूब करना है, फिर अब क्या बताएं ऊपर में, 4 का होल स्क्वायर तो 16 हो गया ना, अब 16 से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 32 आ गया ना, 2 का होल स्क्वायर करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, आ गया ना, ये 32 का दोगुना करेंगे, ठीक है, इसको जब एडिंग कीजिएगा तो देखिए चेक कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए 92 का होल क्यूब, तो इसको भी देखिए 9 का होल क्यूब कर दिए, 8 हो गया, 9 का होल स्क्वायर 18 होता है, ठीक है, 9 का होल स्क्वायर कितना होता है, 18 होता है, ठीक है, 9 का होल स्क्वायर 18, 18 टू जा
सॉरी 9 का होल स्क्वायर कितना होता है 81 होता है, 81 का दोगुना कितना होता है 162, ठीक है। ये 2 का होल स्क्वायर 4 और 4 9 जा 36, इसको एडिंग कीजिएगा तो इतना आ जाएगा। सॉरी दोस्त, कुछ कुछ बोलने में गलती हो रहा है, ठीक है। वो जो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक ठीक है। आपके वेटर से सहयोग मिलेगा, हौसला होगा, ठीक है। अभी शुरू शुरू में बना रहा हूँ। अब देखिए, अब वो जो हमें बताया किसी का हॉल क्यों निकालने के लिए, तो देखिए तो दोस्त अब पीछे आते हैं, पीछे आते हैं तो देखिए तो हम क्या बोले थे, चार लकीर करने के लिए, इसका हॉल क्यों करने के लिए, अंतिम हॉल क्यों करने के लिए, इसका हॉल स्क्वायर इसे गुना करने के लिए आ गया ना, इसका हॉल स्क्वायर इसे गुना करने के लिए आ गया ना। अब देखिए वो भी क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, ठीक है। उसको तो मैं बताया कि जल्दी जल्दी बनाने का, इसमें इससे भी बना सकते हैं, ठीक है, इससे भी कोई फर्क नहीं है। देखिए 1 का होल क्यू और 5 का होल क्यू, अब 1 का होल स्क्वायर 1 और 5 से मल्टीप्लाई किए तो 5, 5 का होल स्क्वायर 25 और 1 से मल्टीप्लाई 25, ऐसे भी बना सकते हैं आप, तो जैसे सुविधा हो उस तरह से बनाइए, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों 2 का अब कैसे पहचानेंगे, अब अंडर रूट में रहे, अंडर क्यू में रहेगा, ठीक है, अंडर क्यू में। यहाँ देखिए ये क्यू, यहाँ क्यू दे देंगे, ठीक है, अंदर अंडर क्यू में रहेगा। तब देखिए 1728 रहेगा, तो कैसे इसको पहचानेंगे, ये इसको फट से लिख देंगे, एग्जाम में आएगा तो सोचते रहेंगे वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, मिस हो जाएगा, तो उसको मिस होने के लिए हम सब बनाएंगे। देखिए 2 का 8 लिखेगा, 8 का 2 लिखेगा, 3 का 7 लिखिए, इसके अपोजिट लिख दीजिएगा, और ये सेम टू सेम उतार दीजिएगा, इसको कुछ नहीं करना है, ठीक है। 1728 है, देखिए 3 डिजिट को काट दीजिएगा, ठीक है, और इसके अंतिम डिजिट को देखिए 8 है ना, तो 8 का 2 लिखिएगा। अब देखिए 1 किसके किस बीच में आता है, 1 और 2 के बीच में आता है ना होल क्यू, ठीक है, तब जो हमेशा ऊपर का लेना है तो 1 ले लिए, ठीक है। ये 3 डिजिट काट दीजिएगा, देखिए 2 का अपोजिट 8 लिख दिए ना, देखिए लिखा हुआ है। अब ये 5 किसके बीच में आता है, 1 और 2 के बीच में आता है ना, ठीक है, तब हमेशा क्या बोले थे कि छोटा ले लेना है। इसमें भी देखिए 1800 इसको 3 डिजिट को काट देंगे, ठीक है। अब देखो अंतिम को देखेंगे, ये 4 है तो ये 4 को 4 लिखेंगे, ये सब जितना नंबर है जो है वो लिख देंगे, ठीक है, तो 4 को 4 लिख दिए। अब ये देखिए 13 किसके किसके बीच में आ रहा है, 2 और 3 के बीच में आ रहा है ना, तब ये 2 लिखेंगे, बोले ना हमेशा छोटा वाला लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको 3 डिजिट काट दिए, 6 है तो 6 लिख दिए। अब देखिए 46 किसके किस बीच में आ रहा है, 3 और 4 के बीच में आ रहा है ना, हमेशा छोटा लेंगे 3 लिख दिए, ये हो गया, आसानी से बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें, थैंक यू।